नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल क्रिप्टो राठौड़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे जो मार्केट है उसमें कौन से कॉइन है जो आपको प्रॉफिट दे सकते हैं आने वाले टाइम में। ठीक है दोस्तों, तो अभी आने वाले टाइम में जो जून का जो महीना है, अभी 20 दिन के आसपास बचे हुए अपने पास, इन 20 दिनों में हम ट्रेडिंग करके काफ़ी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो हम आपको यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि जो जून का महीना है उसमें जो टॉप 14 टू 15 कॉइन है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले ये जो कॉइन्स के बारे में आपने देखा होगा कि माइग्रेशन चलता रहता है, किसी में कुछ अपडेशन चलता रहता है, और फ्यूचर की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को देखते हुए इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज होती रहती है। तो सबसे पहले कॉइन है गाइज एरियम। एरियम में क्या है कि कॉइन स्वैप होने वाला है, इसमें जो प्रोसेस होगी और वो 4 जून को ऑलरेडी हो चुका है, तो ये कॉइन भी आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है अभी। ठीक है, एरियम कॉइन स्वैपिंग है इसमें जून 4 को। उसके बाद इसमें जून 4 के बाद जो वेबसाइट है वहाँ पर आप इसके जो वाइट पेपर है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो कॉइन है बिटशेयर में हार्ड फोर्क शेड्यूल्ड है 7th of June को, जो कि ऑलरेडी हो चुका है, और यह कॉइन भी आपको अच्छा खासा इस महीने में रिटर्न दे सकता है। उसके बाद बाइटकॉइन है जो कि 12 जून को इसमें हार्ड फोर्क होने वाला है। अभी इसका जो रेट है वो डाउन चल रहा है, 70 से 80 के बीच है, तो आप बाइक कर सकते हैं इस कॉइन को। बस्ट कॉइन में 14th of June को हार्ड फोर्क होने वाला है, तो यह कॉइन का जो रेट है इसका फ्लक्चुएशन अभी स्टार्ट हो गया, ऑलरेडी 3.48 पे है इसका रेट अभी। ठीक है, उसके बाद क्वांटम है, टम क्वाइन जो है उसमें मर्जर स्वैप होगा, तो मर्जर स्वैप शेड्यूल है 15 जून को, और इसके जो टोकन है वो पब्लिश किए जाएंगे 15 जून को, और एड्रेस जो है वो ऑटोमेटिकली रिसीव्ड हो जाएगा एज पर DTR टोकन के हिसाब से। ठीक है, और सबसे बड़ी न्यूज़ आ रही है डिजीबाइट की। डिजीबाइट का जो रेट है वो 498 हाईएस्ट सतोसी तक गया है अभी, और इसका जो हार्ड फोर्क है वो शेड्यूल है 21 जून को, तो इसका जो रेट है मैक्सिमम 600 से 700 सतोसी के आसपास जा सकता है। नेक्स्ट है ट्रोन। ट्रोन का जो 21 जून को है टोकन माइग्रेशन होगा, तो ट्रोन के कॉइन में अभी फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा इस महीने के अंदर। जो ERC20 to TRX जो होल्डर हैं जितने भी, उनको एडवाइस किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टोकन माइग्रेशन करें, उसके लिए अपने कॉइन्स को वो होल्ड करके रखें। ठीक है, उसके बाद स्प्राउट्स में क्या है कि स्वैप होगा टोटली टू ओगजिलियम, नया टोकन वहाँ से जनरेट होगा, जितने आपके पास हैं उसके अलग टेक्नोलॉजी निकाल करके एक नया कॉइन बनाया गया, जो कि 21 जून को शेड्यूल है। ठीक है, उसके बाद है जेन कैश काफ़ी अच्छा कॉइन है, रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा दे रहा है, और 26 जून को इसका हार्ड फोर्क शेड्यूल है, तो जेनकेस के ऊपर आपको नज़र रखनी है, कॉइन आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है जून के महीने में। इसके जो फीचर्स हैं वो सेंट्रलाइजेशन और जेन माइनिंग, ये इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं। उसके बाद आता है मूनकॉइन जो कि सोया हुआ है बिल्कुल, अभी आप बाई कर सकते हैं इस कॉइन को, और 27 जून को इसका हार्ड फोर्क शेड्यूल है, तो यहाँ से आपका जो प्रॉफिट है वो डबल ट्रिपल हो सकता है। यू नीड टू बाई ए लॉट ऑफ मूनकॉइन। ठीक है, मूनकॉइन का जो रिटर्न है वो काफ़ी अच्छा मिलने की संभावना है। नेक्स्ट है हेम्पकॉइन। हेम्पकॉइन का जो मास्टर नोड है वो चेंज हो रहा है, और इसका हार्ड फोर्क शेड्यूल है 30 जून को, तो इसके अंतर्गत आपका जो Q2 का THC विल हार्ड फोर्क Q2 वो इसमें प्रोसेस होना है। नेक्स्ट है DV का जो स्वैप है वो DVX 30 जून को है। उसके बाद बाइटम का जो मेन नेट स्वैप है POW सपोर्ट मिलेगा वो 20 जून को मिलेगा इस कॉइन में, तो इस कॉइन पर भी आप नज़र रखनी है। उसके बाद इंपॉर्टेंट कॉइन है इथेरियम क्लासिक, इसका हार्ड फोर्क 13 जून को शेड्यूल है, तो इसके जो ब्लॉक हाइट है वो बढ़ाई गई है रेशियो 1:1 के हिसाब से। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी गाइज। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक यू वेरी